इस साल 3 सितंबर को मारपत उत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर नागपुर के लोग एक बार फिर मारपत और बड़गया उत्सव के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर भगाने की तैयारी कर रहे हैं। पोलाव के दूसरे दिन आयोजित होने वाला यह अनूठा कार्यक्रम नागपुर की एक खास परंपरा है और इसे एक सदी से भी अधिक समय से मनाया जा रहा है। बुधवार के मारपत चौक पर तैयारियां जोरों पर है, जहां कार्यकर काली और पीली मारपत की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं बनाकर पूजा अर्चना की जा रही है। त्योहार के दिन नागपुर की सड़कें ईड़ा पीड़ा खिउंसा के मारपत सभी सामाजिक बुराइयों और मानवीय दुखों को दूर करो के शक्तिशाली नारों से गूंज उठेगी, क्योंकि काली और पीली मारपत की मूर्तियां प्रसिद्ध बड़गया के साथ शहर में अपना रास्ता बनाती है। ये मूर्तियां समाज को परेशान करने वाली बुराइयों के खिलाफ लोगों के सामूहिक गुस्से और हताशा का प्रतीक है। चाहे वह बढ़ती कीमतें हो या फिर अलोकप्रिय सरकारी फैसले हो या अन्य मौजूदा मुद्दे हो। मारपती की स्थापना 1985 अंधश्रद्धा आणि हे सगळे प्रकार होते, रोगराई होती, तर त्यावेळेस म्हणजे एकच उपाय होता लोकांकरता, जनतेकरता, की काहीतरी अलाबला कशी जाईल त्या हिशोबाने ही मारबत तयार केली। आणि त्यावेळेस स्वातंत्र्य आपण पारतंत्र्यात होतो आणि एकत्र जमण्याची आपल्याला परमिशन नव्हती आणि लोकांना कसं संघटित करायचं म्हणून ही पिवळी मारबत तयार झाली। तर हे 1885 सुरुवात झाली याची, यावर्षीचे 140वे वर्ष आहे आणि 140 वर्षापासून आम्ही हे कंटिन्यू कोणतीही खंड न पडता ही मारबत चालू आहे। आज विशेष म्हणजे आपल्या यावेळेस आपल्या इथं चिकनगुनिया किंवा अजून रोगराई आहे त्याला घेऊन जाण्याचा मी आवाहन करीन की या आपल्या जनतेवर आपल्या नागरिकांवर जो संकट आलेला आहे, आज पुष्कळ लोक चिकनगुनियानं परेशान आहे। मागच्या वेळेस आपल्याचा करोना आला होता त्यावेळेस बी आम्ही हीच मागणी केली होती की ही बिमारी पूर्ण देशातून घेऊन जा, या जगातून घेऊन जा म्हणून ही आमचं स्लोगन होतं। यावेळेस बी आमचं तेच आहे की आपल्या इथं बरसाती श्रावण महिन्यामध्ये जो पाणी येतो आणि दूषित पैदा होते किडे जंतुनाशक आणि त्याकरता हे सगळं घेऊन जाईल ही आमची इच्छा आहे आणि सगळ्या नागरिकांना आम्ही ते आवाहन करतो। आणि हे समाज संघटित झाला पाहिजे, समाजाला जागरूकता आली पाहिजे, समाजामध्ये एक निर्माण अशी जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे, एकी निर्माण झाली पाहिजे आणि आपला देश कसा पुढे वाढेल यावर आमचा विचार आहे। इस साल काली मारपत का 142वा साल है तो वही पीली मारपत का 140वा साल है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी यह उत्सव समाज के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के संकल्प की एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करेगा। मारपत बड़गया उत्सव नागपुर की पहचान का अभिन्न अंग बन गया है, जो विदर्भ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत ही प्राचीन परंपरा वाला मारपत उत्सव नागपुर में हर साल की तरह इस साल भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। काली और पीली मारपत क्या होती है? ये पीली मारपत है, इसकी 140वां साल है इस साल। केली तरह ने की ओर से ये पीली मारबत है, ये इसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और काली और पीली मारबत का मिलन होता है और ईड़ा पीड़ा घेऊन जागे मारबत कह के जो है ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें पूरे शहर के लोग ये उत्सव देखने आते हैं और ये एकमात्र उत्सव जो है पूरे देश भर में सिर्फ नागपुर में मनाया जाता है। कैमरा पर्सन रश्मि माथुर के साथ में क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।